तो हमारी अम्मी तो रोज चमकाती है ना फ्री में। सहमा के लिए ये अच्छा लग रहा ना। थैंक यू। लिखा भी है, लिखा जी। पहले साहिबा का ग्रीटिंग कार्ड पढ़ेंगे हम लोग जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ना सुबह बहुत जल्दी मुझे उठा दिया गया और बस खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि शाविज भाई और अप्पी को जाना है अपने ससुराल। तो बस ये ना मैं आज सोच रही हूँ उन लोगों के लिए लंच बना दूँ, तो कुछ पैक कर दूँ। तो मटर आलू की सब्ज़ी सोचा बना दूँ, क्योंकि ये बच्चे भी खा लेंगे और ये लोग भी खा लेंगे। तो बस मैं मटर आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। इधर देखो, इधर 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 देखो। बिल्ला है। और हम हमजा के भी तो हो गया, हमजा के भी तो हो गया है। देख लो देख लो। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी गाड़ी देखने के लिए शायद जाएगी। गाड़ी तो अच्छी लग रही शायद माशाल्लाह आपकी। वाइट कलर का भी अपना एक अलग जलवा है। अच्छी है टाटा पंच, अच्छी लग रही। यहाँ गाड़ी खड़ी करी ना, यहाँ ज्यादा कीड़े वो आते हैं। इतना चल के आई है हाँ। तो भी देखो वाइट पे, वाइट पे नहीं पता चलता है। ना ना ना, ब्लैक तो बस पूछिए नहीं, इतनी हालत खराब हो जाती है वो अंदर खड़े खड़े गंदी हो जाती है, इसीलिए तो हमने नहीं ली। सही बात, अच्छा किया नहीं ली। भैया तो यही कहता अब नहीं लेंगे कभी। जबकि ब्लैक अच्छी बहुत लगती है। ₹500 महीना लेते हैं, सुबह बिल्कुल चमकती मिलती है। हाँ। सही बात है। तो हमारी अम्मी तो रोज चमकाती है ना फ्री में। रोज हमारे यहाँ चमकती है। कलर मैच करा दे। हाँ सही बात है, मैचिंग कलर। हाँ सही रहा, ब्लैंकेट है, बच्चे आराम से अपना लेट जाते होंगे। सही, अच्छी लग रही माशाल्लाह से। जा रहे हो, ये अपना बब्बू तो ले लो, ये नहीं पीना है। हमी कैप नहीं गए, सवाल है तो उसका कैप। टॉफी खाओगे? अच्छा बॉटल रखो इनकी। भैया जा रहे हैं आप माँ को छोड़ के? मम्मा मैं अभी आ जाऊंगा। जी कल आ जाओगे? आ जाना मुझे, मैं बहुत मिस करूंगी आपको। ग्रैंडपा बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा हमजा के ग्रैंडपा मिस कर रहे हैं, तो हमजा जा रहा है, फिर आ जाएगा हमजा। बाय हमजा, अल्लाह हाफिज। वो गाड़ी है ना, इसलिए गाड़ी का शौक है बैठना। आई माय कार, हाँ माय कार। अच्छा जी हाँ? हम क्या बताओ, बंद कर दो। ठीक है बंद कर दो, अल्लाह हाफिज। बाय अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स अप्पी को तो जाना था, वो चली गई अपने ससुराल, इधर मैं आ गई हूँ। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम होते हैं ना। फिर इसके बाद सोचा कुछ नाश्ते में हो जाए, तो चिकन रखा हुआ था वो मैंने सोचा चलो फ्राई कर लेते हैं और हम लोग खा लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने शाम में भी नहीं खाया था। और बच्चों के लिए मैंने फ्राई करके चिकन रख दिया था ताकि वो रास्ते में खा लें, क्योंकि बच्चों को ना चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस सारे काम भी निपट गए थे, राजिया सारा काम निपटा के गई है और इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। तो बस नाश्ते में चिकन खाएंगे और इसके बाद जो देखते हैं लंच में, अगर कुछ दिल चाहेगा हल्का फुल्का खाने का तो वो खाएंगे। इधर अम्मी ने ना बहुत ही अच्छी सी चटनी बनाई है, तो बस इसके साथ हम लोग इंजॉय करेंगे।
चिकन हमारा फ्राई हो गया। पापा, भैया, अम्मी और सना ये लोग खाने के लिए बैठ गए थे और बस मुझे भी आना ही है खाने के लिए, तो बस मैंने सोचा इन लोगों को फ्राई करके दे देते हैं, इसके बाद मैं बैठूंगी। और इधर ना हम लोगों के लिए नाश्ते के लिए ना ऑरेंज निकाल के रखे थे सना ने, सोचा था कि ये खाएंगे लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं पसंद है, तो मैंने सोचा चलो ये छोड़ो और चिकन खाओ। तो माशाल्लाह से ये लोग सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए और मैं भी आ गई हूँ अपनी प्लेट को सजाने के लिए। तो बस मैंने अनियन को रखा और इसके साथ ना खाते हैं चिकन तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, और थोड़ा सा चाट मसाला अगर इसमें ऐड करते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है। नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि चटनी बहुत ही अच्छी है अम्मी ने बनाई है। और ये देखिए हमारे ऑरेंज निकाल के रखे हैं, एप्पल निकाल के रखा है ये खाने के लिए। देखिए हम लोगों ने इसको साइड में रख दिया कि तुम यहीं रहो और पहले हम लोग चिकन खाएंगे, इसके बाद ही हम लोग ये सब खाते हैं। तो चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इसकी रेसिपी मैंने मेरे व्लॉग में इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, फुल रेसिपी मैंने शेयर करी है। बहुत ही जूसी बनता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, आप देख सकते हैं ये देखिए अंदर तक कुक्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें और अगर और भी कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ये चिकन फ्राई मैंने कैसे बनाया है। और चिकन रोस्ट की रेसिपी भी अगर आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको चिकन रोस्ट भी बताऊँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स बस मैं चिकन एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स सामा आ गई है घर और उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू। सोचा खाने में क्या बनाएं तो सोचा चिकन स्टू बना लेते हैं और हमारे से पुलाव बनाएंगे। अम्मी हमारी हेल्प कर रही हैं और हम अब जा रहे हैं घर बनाने। सामा आएगी तो फिर आप लोगों को सामा से बनाएंगे और हम अम्मी दोनों को हम लोग खाना बनाएंगे, ठीक है? फिलहाल तो अम्मी चाय बना रही है सबके लिए, तो अभी फिलहाल हम लोग चाय पियेंगे और अपने खाने को भी बनाते रहेंगे। और मटर पुलाव जो बनाएंगे वो अम्मी के स्टाइल में बनाएंगे, ठीक है? चले बनाते हैं। तो अम्मा हमारी बना रही है हमारे साथ चिकन स्टू, तो हमने यही डिसाइड किया फ्रेंड्स कि हम चिकन स्टू बनाएं, तो बस चिकन स्टू बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ना हम लोग ज़्यादातर सरसों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वही सरसों का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, तो हमने चॉप करके रखा है ना। इसका हम हाफ प्याज पहले इसमें ऐड करेंगे, हाफ हम ये ऐड करते हैं कि पूरा ऐड कर दें, क्योंकि ये चिकन है, चिकन तो जल्दी गलता है ना, तो पूरा ऐड कर दें तो ठीक है। हम जब मटन का बनाते हैं तो क्या करते हैं हाफ प्याज डालते हैं, लेकिन हम चिकन का बना रहे हैं तो हम पूरा प्याज इसमें ऐड करेंगे और गरम मसालों के साथ ऐड करेंगे। गरम मसाले अभी हम निकालेंगे, इसके बाद हम ना इसमें ऐड करके और फिर हम ऑयल में ऐड करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स सामा आ रही है तो खाना छोड़ के मैं आई हूँ सामा का वेलकम करने के लिए। पता नहीं सामा कहाँ पर है, उसने मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बाहर आ जाओ, मेरा वेलकम करो आके, जैसे हम लोग अनायसा का करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अभी आई तो नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है, तो दूर दूर तक कहीं वो दिख नहीं रही है, अभी आएगी, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। सायमा बेबी कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम सायमा। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सायमा प्लेस में विंटर वेकेशन एंजॉय करने और अपनी टीम को छोड़ आए हैं, वो भी पेंडिंग में। आ जा। सामा बहुत ज्यादा खुश है अपने विंटर वेकेशन में आई है। विंटर वेकेशन फाइनली अपने आए हैं। पापा आ रहे हैं, ढेर सारे आज कपड़े धुले थे, ये देखिए पूरी लाइन भरी पड़ी है कपड़ों से। वाओ थैंक यू। लिखा भी है, लिखा क्या है देखें पढ़ लें, भयानक सा। ओफो, एक सदी के बाद हमें जो है ग्रीटिंग कार्ड किसी ने गिफ्ट किया है। पापा ये क्या लाया आप? अम्मी के लिए अमरूद ले क्या है? अम्मी के लिए अमरूद, वाओ। पापा ने बहुत अच्छे अमरूद लेके आए, और क्या शरीफा लेके आए, और ये मेरा केक का सामान भी पापा लेके आए, केक का सामान। देखो सुना आपने इतना पैसा मंगवाया, ए चुप रहो,
पहले साहिबा का ग्रीटिंग कार्ड पढ़ेंगे हम लोग जी, कि साहिबा ने क्या लिखा। चलो, डे बाय डे खुशियां हो जाएं डबल, आपकी जिंदगी कुछ होता नहीं लिखा, नहीं नहीं जिंदगी से डिलीट हो जाएं सारे ट्रबल, खुदा रखे हमेशा आपको स्मार्ट एंड फिट। थैंक यू साहिबा, आपके लिए न्यू ईयर हो सुपर डुपर हिट, लव यू। बहुत अच्छा साहिबा ने लिखा है, बहुत प्यारा सा। और ये जो है ये इसलिए उसको याद है, शायरी इसलिए उसको याद हो गई है कि बच्चे उसे जरूर लिखते होंगे ना। हम लोग पहले लिखते चम्मच चम्मच में जीरा। अच्छा, अभी फोन से बड़ी लेट हो गई, इसके चक्कर में लेट हो गए। जैसे वो आई बस फोन से निकाला, उन्होंने फटाफट जल्दी लिखा है। लेटेस्ट लग रही है वो वाला नहीं है, चम्मच टाइम में हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देते थे, खरीदते थे। चलना थैंक यू साहिबा, थैंक यू, तुमने न्यू ईयर का कार्ड मुझे दिया। ऐसा मत चुप, थैंक यू नहीं बोलने दे रही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्ड भी है। अरे आओ ले आइए, अच्छा लग रहा है। भाई भी कहीं से आए क्या? देखो सना, सब ये सब केक का सामान मंगाया, क्रीम मंगा लिए, क्रश है, ये फॉन्डेंट मंगवा लिए, कलर मंगवा लिए। एक तुमने कहा था ना रेड वेलवेट बनाइएगा, तो उसके लिए रेड कलर मंगवा लिया और एक ब्लैक कलर मंगाया। ब्लैक इसलिए मंगवाया कि जैसे फॉन्डेंट मंगवाया ना, तो फॉन्डेंट को कलर करने की से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आईज वगैरह कुछ बनाना हो तो ब्लैक कलर, तो ब्लैक लिए वो मंगवाया। अमरूद भी कुछ ज़्यादा ही बड़े लेके आए पापा, हैवी पर्सनैलिटी के हैं। हम लोग हमें बातों में फंसा लिया है, हम जा रहे हैं खाना बनाने। जी मामा जी चावल आपका हो गया फ्राई? मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तो अम्मा ने हमारी चावल फ्राई कर दिया है और इधर सबके लिए चाय भी बन रही है और मैं बना रही हूँ खाना। तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं, केक की क्रीम थी नहीं और केक हम बना नहीं सकते, तुम्हारे लिए स्पेशल क्या करते? तुम्हारे लिए चिकन स्टू बना रहे, फूल माली से कहा था फूल के लिए, तो फूल उस फूल लाए तो है एक नहीं, ये फूल के अरे लो नहीं लियो, मुरझा कहाँ गया, पगली हो क्या? देखो बिल्कुल बिल्कुल देखो तरो ताजा है अभी, हम तो भूल ही गए, याद ही नहीं रहा कि ये मंगवाया था, फूल याद ही नहीं रहा। तो साहिमा के लिए मंगवाया था, ताजा है बच्ची, देखो साहिमा के लिए ये। अच्छा लग रहा ना, साहिमा के लिए कुछ स्पेशल करना था इसलिए हम लोगों ने साहिमा को फूल मंगा के दिया है। अच्छा, अब ये सामा इतनी छोटी तो है नहीं जो बलून फुला के रखते हैं हम लोग। नहीं आप फुला के रखते तब भी बहुत खुश हो। तुमसे तो हमने कहा था कि बलून फुला दे, तुमने कहा नहीं अभी बलून तो रहने दीजिए, तो हमने फिर फूल मंगा दिया। नहीं आप बलून भी रख लेती तब भी हम खुश हो जाते। तो फ्रेंड्स बस सामा को ना सरप्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ये सब हो जाता। खैर कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ सामा के लिए चिकन स्टू। तो बस प्याज हो गया तो इसमें सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसकी जो फुल रेसिपी अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी कि चिकन स्टू कैसे बनता है। तो बस इतना ही आज के लिए व्लॉग है, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।